शहनाज अपनी बहुत सारी चीजों के बारे में घर वालों के साथ शेयर करती हुई नजर आती हैं। अब शहनाज ने बताया कि अगर बिग बॉस हमें बुलाए कि सभी लोग लिविंग एरिया में आ जाए तो अगर पंच पड़े तो कैसा हो। शहनाज ने बताया कि जब बिग बॉस ने हमें लिविंग एरिया में बुलाया ना तो मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि मुझे पंच हुआ है, बट दैट वॉज नॉट रियल। लेकिन अगर ऐसा ही हो, अगर बिग बॉस हमें कहीं पे बुला रहे हैं और हम वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो जल्दी से पंच आए और फिर हम झट से आते हैं कि हाँ जी बिग बॉस आ रहे हैं और बिग बॉस कह रहे हैं कि तुमको बुलाया तुम आए क्यों नहीं, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग नो। इस पर रश्मि ने बताया कि लास्ट ईयर एक बिजनेसमैन आया था, उसकी तो शुरुआत ही पंचेस से हुई थी, उसको एक कमरे में बंद कर दिया और उसको खूब पंच किए, बहुत ज्यादा फनी था। यहाँ पर विशाल ये भी कहते हैं कि विकास ने बताया था कि उनके टाइम पे तो 3-4 आवाजें आती थी, कुत्ते भूखते थे। इस पर उन्होंने कहा क्या सच में, विशाल ने कहा कि हाँ, पर पता है तो उनको ना बहुत ज्यादा परेशानी किया होगा। यहाँ पर जब था तो यहाँ पर उसने सिर्फ अपना एक कैरेक्टर लिया हुआ था विकास गुप्ता, बट उसमें उनकी रियल पर्सनैलिटी थी और जितने क्यूट वो है ना उसको डेफिनेटली परेशान किया होगा। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।